जो आज हम वर्कशीट 26 करेंगे, ये 10th क्लास की है और इस वर्कशीट से आपका चैप्टर 3 शुरू होता है, धातु एवं अधातु। पहले हिंदी मीडियम में करेंगे, उसके बाद इंग्लिश मीडियम में करेंगे। तो सबसे पहले धातु या धातुओं को वर्गीकृत किस आधार पर किया जाता है, उसके लिए कुछ इनकी भौतिक गुणधर्म है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ सबसे पहले हम धातुओं के कुछ उदाहरण पढ़ते हैं, जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, चांदी, कॉपर। इनके आप सिंबल भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे आयरन है तो Fe, एल्यूमिनियम है तो Al, चांदी है तो Ag एंड कॉपर है Cu। तो इन सिंबल आप लिख सकते हैं साथ साथ। ऐसे कुछ उदाहरण हैं धातुओं के, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। तो इन तत्वों को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है कि ये धातु हैं और वो अधातु हैं। अब इसको टेबल, बहुत ही इंटरेस्टिंग टेबल है ये, इनमें कुछ गुणधर्म है उसके आधार पर बताना है धातु में होता है नहीं होता है, धातु में क्या होता है। सबसे पहला है इसका गुणधर्म है धात्विक चमक। सभी धातुओं की सतह चमकदार होती है लेकिन अधातु में चमकीली नहीं होती, लेकिन एक अपवाद भी है इसमें, एक्सेप्शनल केस भी, आयोडीन। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे एक धातु का नाम बताइए जो चमकीली होती है, तो आप वहाँ पे आयोडीन लिखेंगे। आयोडीन अकेली ऐसी धातु है जो कि चमकीली होती है। इसी तरह कठोरता के आधार पर मोस्ट ऑफ द मेटल्स या धातुएं सामान्य तौर पर कठोर होती हैं, लेकिन लिथियम, सोडियम और पोटेशियम मुलायम होते हैं, उनके चाकू से भी काटा जा सकता है, पनीर की तरह होती है बिल्कुल। तो एक्सेप्शनल केस हुआ है यहाँ पर। अधातुएं अधिकतर कठोर नहीं होती हैं, लेकिन एक अपवाद है यहाँ पर, कार्बन का अपरूप है हीरा जो कि कठोर होता है। नेक्स्ट है रूप। धातुएं कमरे के ताप पर ठोस पाई जाती है मैक्सिमम धातुएं, लेकिन मरकरी एक ऐसी धातु है दो द्रव अवस्था में होती है, जो थर्मामीटर में देखी होंगी आपने। अधातुएं ठोस और गैसीय होती हैं, लेकिन ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कि तरल होती है। इसी तरह अघात वृद्धता, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, उसको अघात वृद्धता कहते हैं। अधातुओं में अघात वृद्धता नहीं होती है। उसके बाद आती है तन्यता। तन्यता मतलब त से तन्यता, त से तार। धातुओं को पीट पीट कर जब पतली तार में खींचा जाए तो तन्यता कहलाता है, अधातुएं तन्यता नहीं होती है। विद्युत और ऊष्मा के चालक, मोस्ट ऑफ द जितनी भी धातुएं हैं विद्युत ऊष्मा के चालक होती हैं, लेकिन इनमें भी एक्सेप्शनल केस अपवाद है शीशा और मरकरी, जो कि ना तो विद्युत की चालक है ना ही ऊष्मा की। अधातुएं विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं, लेकिन यहाँ पे भी एक अपवाद है ग्रेफाइट जो कि ऊष्मा का अच्छा चालक है। उसके बाद आता है घनत्व, डेंसिटी। अधिकतर जितनी भी धातुएं हैं उनका घनत्व उच्च गलनांक होता है, लेकिन सोडियम पोटेशियम का गलनांक घनत्व कम होता है। अधातुएं का सामान्यतः अधातुएं का घनत्व गलनांक कम होता है। ध्वनिक, धातुएं कठोर सतह पर टकराकर आवाज़ उत्पन्न करती हैं, लेकिन अधातुएं आवाज़ उत्पन्न नहीं करती। तो ये धातु अधातु के कुछ भौतिक गुणधर्म थे जिसके आधार पर हमें ये टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लें। उसके बाद आता है इनके कुछ रासायनिक गुणधर्म, कि धातुओं के रासायनिक गुणधर्म है तो उनको कैसे हम डिस्क्राइब करें। सबसे पहला आता है वायु के साथ अभिक्रिया। दो धातुएं ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, तो रिएक्शन आ जाती है धातु प्लस ऑक्सीजन धातु ऑक्साइड। जैसे कॉपर है वो एयर की प्रेजेंस में आता है तो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन ऐड होते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाते हैं। तो अलग अलग धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया करके दिखाती हैं, लेकिन सोडियम और पोटाशियम वायु में आकस्मिक अचानक से आग पकड़ लेती हैं और इसे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। पहला पॉइंट, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करती हैं क्योंकि ये कम अभिक्रियाशील है। इन तत्वों पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। आयरन वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन ज्वाला में लो चूर्ण डालने पर तेजी से जलने लग जाता है। कॉपर भी प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन उस पर काले रंग के पैरा ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। चांदी और सोना ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो ये अलग अलग धातुएं हैं जो अलग अलग अभिक्रिया दिखाई गई है। उसके बाद अब आता है जल के साथ अभिक्रिया। कोई भी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है उसमें, और वही धातु ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। तो जल भी तीन अवस्था में है, एक है ठंडा पानी, एक गर्म पानी और एक भाप। तो जो धातुएं ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करती हैं वो है सोडियम और पोटेशियम, जो गर्म के साथ अभिक्रिया करती हैं मैग्नीशियम, और जो जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगती हैं वो है कैल्शियम और मैग्नीशियम।
जो भाप के साथ अभिक्रियाशील है एल्यूमिनियम आयरन और जिंक, जो जल के साथ अभिक्रिया करती ही नहीं है वो है लेड कॉपर और गोल्ड। तो ये इस तरह से उदाहरण इसमें दे रखे हैं अलग अलग, ये बहुत अच्छे तरीके से समझा रखे हैं। उसके बाद जैसे इसमें कोई भी धातु जब अभिक्रिया करती है, जैसे सोडियम है पानी के साथ अभिक्रिया करेगी तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर, क्योंकि ये ज़्यादा अभिक्रियाशील है डायरेक्ट हाइड्रोक्साइड बना देगी। मैग्नीशियम है वो भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, एल्यूमिनियम कम अभिक्रियाशील है तो ऑक्साइड बना दिया, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब आता है उभयधर्मी ऑक्साइड, बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उभयधर्मी से क्या अभिप्राय है। तो वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल बनाते हैं, जैसे जिंक और तथा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये दोनों ही उभयधर्मी हैं। एल्यूमिनियम एसिड के साथ अभिक्रिया करेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड बना देगा, बेस के साथ करेगा तो एल्यूमिनियम जिंकेट बना देगा या एल्यूमिनेट बना देगा। तो उसके अंदर वही दोनों के अंदर अभिक्रिया करते हैं अम्ल और क्षारक के साथ, तो इसलिए उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड्स कहते हैं। आप कुछ प्रश्न दे रखे हैं अभ्यास के लिए, ऐसी धातु का नाम बताएं जो कमरे के ताप पे दर्व होती है, ऊपर बहुत एक्सेप्शन दे रखे हैं उसमें से आपको सारे क्वेश्चंस निकाल के कॉपी में लिखने हैं। नाउ द टाइम फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स एंड टुडेज वर्कशीट इज़ वर्कशीट 26 एंड द टॉपिक इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल ऑफ चैप्टर 3 ऑफ NCERT बुक एंड द क्लास 10th वर्कशीट इज़ देयर। नाउ एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट सम एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स लाइक आयरन एल्यूमिनियम सिल्वर एंड कॉपर। सम नॉन मेटल्स आर हाइड्रोजन, सिंबल इज H, नाइट्रोजन N, सल्फर S, ऑक्सीजन O। नाउ थ्रू दिस टेबल वी विल डिस्कस अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज लस्टर, मीन्स शाइनिंग। मेटल्स आर हैव शाइनिंग सरफेस बट नॉन मेटल्स डू नॉट हैव शाइनिंग सरफेस, बट वन एक्सेप्शन दे रहे, आयोडीन इज द नॉन मेटल विच इज शाइनिंग इन नेचर। सेकेंड इज हार्डनेस, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट फ्यू मेटल्स लाइक सोडियम लीडियम पोटेशियम विच आर वेरी सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ लाइक एन पनीर। एंड जनरली नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एक्सेप्ट द डायमंड, डायमंड इज द एलोट्रॉफ ऑफ कार्बन विच इज हार्ड इन नेचर। नाउ द नेक्स्ट इज स्टेट, इट मेटल्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट द वन मेटल दैट इज मर्करी विच इज ऑलवेज एग्जिस्ट इन द लिक्विड फॉर्म एंड यू कैन सी मर्करी इन द थर्मामीटर्स, बट नॉन मेटल एग्जिस्ट एज सॉलिड और गैसेज एक्सेप्ट ब्रोमीन विच एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट, सो देर इज एन एक्सेप्शन। मैलिएबिलिटी, मेटल्स कैन बी बीटन इन टू थिन शीट्स, नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल। डक्टिलिटी, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इन टू थिन वायर सो दे आर डक्टाइल बट नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट टू दैट इज लेड एंड मर्करी, एंड नॉन मेटल्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट द वन ग्रेफाइट इज यूज इन द इलेक्ट्रिक सर्किट्स। डेंसिटी, जनरली मेटल्स हैव हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्ट द सोडियम एंड पोटेशियम, नॉन मेटल्स जनरली हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। सोनोरस, मीन्स विच प्रोड्यूस साउंड आफ्टर स्ट्राइकिंग अ हार्ड सर्फेस, सो मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर बट नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, यू हैव टू करेक्ट इट हेयर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल इज रिएक्शन विद द एयर, ऑफ रिएक्शन ऑफ द मेटल्स विद द एयर। वेन द मेटल कंबाइंस विद द ऑक्सीजन दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स लाइक कॉपर प्लस ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एंड डिफरेंट मेटल्स हैव शोन द डिफरेंट रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन, फॉर एग्जाम्पल सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट सो विग्रसली दैट दे कैच फायर इफ दे कैप्ट इन ओपन, सो दैट दे आर ऑलवेज कैप्ट इन केरोसिन ऑयल। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक एंड लेड रिएक्ट स्लोली विद द एयर, दीज एलिमेंट्स आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग्स बर्न विग्रसली। कॉपर डज नॉट बर्न बट इज कोटेड विद अ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, सो दीज आर द फ्यू मेटल्स हैविंग द डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द ऑक्सीजन। नाउ द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, then how different metals react with the water. Water has three conditions, cold water, hot water and lukewarm. So you can see when the metal and water react together they form metal oxide plus hydrogen, then metal oxide again react with the water they form metal hydroxide.
फर्स्ट रिएक्शन विद द कोल्ड वाटर. सो सोडियम पोटेशियम एंड कैल्शियम दे आर वेरी हाईली रिएक्टिव मेटल्स एंड दे इमिडिएटली रिएक्ट विद द वाटर एंड बिकम एक्सप्लोजिव एंड रिएक्ट विद द हॉट वाटर दैट इज द मैग्नीशियम ऑलवेज रिएक्ट विद द हॉट वाटर. कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट ऑन रिएक्टिंग विद द ऑन रिएक्टिंग विद वाटर and reaction react with the stream steam only that is the aluminium iron and zinc. When there is no reaction with the water, the lead, copper, gold and silver you can see, and the reactions taking place when the sodium react with the water, it immediately converted into sodium hydroxide and hydrogen gas and heat is produced. Magnesium is less reactive, so it is also produce magnesium oxide. Aluminium is less than magnesium, so it produces aluminium oxide and hydrogen gas. Now, what are amphoteric oxides? Amphoteric oxides are those oxides which reacts with the acids as well as bases to produce salt and water. Example, zinc and aluminium oxides are, for example, aluminium react with the acid, they form aluminium chloride and water. Aluminium oxide react with base, this form sodium aluminate and water. So these are called amphoteric oxide, and on the basis of worksheet do all these questions in your notebook. It is also given in the table. I hope you understand the concept of different chemical properties of the metals and non-metals. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.